तो यार अभी के 4 बज रहे हैं और सावन मास का सेकंड सोमवार है, और सेकंड सोमवार है तो हम लोग को जंगली बाबा जाना है। हमारे अजय भाई जो कि प्रधान हैं वो जल अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, तो बोले हैं कि प्रिंस भाई चलो और तुम भी ब्लॉग कर लेना। और मेरे सब्सक्राइबर कई हैं जो कमेंट कर रहे हैं, प्रिंस भाई आप मटेरा से जंगली बाबा तक का रास्ता बताइए, क्योंकि हम लोग को रास्ता नहीं पता है। इतना फेमस मंदिर है और मशहूर मंदिर का आप ब्लॉग करते हैं, व्यू अच्छे खासे जाते हैं, तो प्रिंस भाई करिए। और पहली बात, सावन चल रहा है, सावन में भगवान शंकर के जितने भी भक्त रहते हैं उनका जन सैलाब मरता है, काफ़ी भीड़ लगती है सावन मास में जंगली बाबा मंदिर जो कि मटेरा में है और बस्तनवा और असवा मोहम्मदपुर के बीच में पड़ता है अपना जंगली बाबा मंदिर। और चलो पूरा आज हम आपको दिखाते हैं कि सावन के महीने में सुबह 4 बजे कितना भीड़ लगता है, कितने कांवर यात्रा, कितने लोग आते हैं भगवान शंकर के लिए, उनके लिए उनके अंदर कितना प्यार है, और सावन कितनी धूमधाम से वो मनाते हैं, और जल अभिषेक कितनी धूमधाम से करते हैं। इतनी भीड़ आपको मिलती भीड़ था। फिर कई लोगों ने कहा कि भैया फ़ोन करके भैया रास्ता दिखाइए, तो मैं आज पर्सनली रास्ता दिखाऊंगा आप लोग को। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, तो बने रहिए वीडियो के साथ भी, जब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बाइक से जाएंगे और आपको दिखाएंगे, क्योंकि 4 बज रहा है, काफ़ी रात रहेगी। तो भैया ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, पसंद आए तो। भैया ये मटेरा है और हम लोग जा रहे हैं जंगली बाबा, ये मटेरा से अंदर जाना पड़ता है। चलो मोबाइल पकड़े, तो सुबह सुबह ही भक्त लोगों का अभी से बहुत दूर से लोग आते हैं जंगली बाबा। अभी मटेरा से 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है इटहा वाली रोड पे, और अभी 4 बज रहे थे हम लोग, अभी सुबह ही आए हैं और हम लोग भी जा रहे हैं, हमारे साथ अजय भाई हैं जो बाइक चला रहे हैं। और हम बाकी भैया आप रास्ते पर दिखाएंगे कितने लोग इधर सुबह जाने के लिए जंगली बाबा, इतना हम लोग मानते हैं सभी श्रद्धा ये देखिए, कुछ लोग लेटे हुए हैं, रात ही को चले थे। इस साइड देखिए कितने लोग हैं, मतलब कि जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। मानता ये है कि मन्नतें या मुरादें जो मानी जाती है वो पूरी होती हैं, और अजय भी मांगेंगे, ठीक है। तो भैया चलो देखते हैं, भैया हम लोग 4 ही बजे गाड़ी से जा रहे हैं, देखो एक आगे गाड़ी से लाइट भी जला और गाड़ी दिखा, और मतलब वहाँ जाते हैं जंगली बाबा, ये मानते हैं लोग, ठीक है भैया। और हम आपको पूरा दिखाएंगे जंगली बाबा पड़ता कहाँ है और ये कैसे क्या, ये देखो ये कुछ महिलाएं जा रही हैं, तो भैया निकलो, पहले महिलाओं से बातचीत नहीं करते हैं, बस आपको दिखा रहे हैं कितना श्रद्धा है भगवान के लिए। तो भैया ये जब सावन चलता है तो पूरी रोड जाम रहती है, इससे पहले ये रोड इतनी टाइम इतनी जाम नहीं रहती, इतने लोग नहीं रहते हैं, और बाइक आती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। और अभी जाते दिखाते हैं वहाँ पे कितना हाल है, हर ही बगल में अपना पेट्रोल पंप है छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, आइए आप और देखिए। ये हमारे साथ जो बाइक चला रहे भैया एक नंबर का खिलाड़ी लूंडा है, बढ़िया बाइक चलाता है, तो भैया हमें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। ये है असवा गांव, आपको पहले मटेरा आना पड़ेगा, मटेरा आने से असवा जाने वाली रोड की तरफ आपको आना पड़ेगा, फिर जैसे आप असवा आएंगे, फिर अगर वो आपको रास्ता भी नहीं जाने तो रास्ता पर असवा आ जाइए, या जंगली बाबा जाना है चौराहा पर आके बताइए तो लोग बता देंगे। कई लोग हमारे वीडियो में जो था मेरा 5th ब्लॉग जंगली बाबा का,
उसमें लोकेशन पूछिए, मुझे लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन ये है हमारा, और ये देखिए सभागृह इधर लगा है इधर, तो यही है। और ये देखिए जा रहे हैं लोग, तो भैया ये है असवा गांव, ये कुछ ऐसा दिखता है असवा गांव हमारा, ठीक है। चौराहा से पहले आप मटेरा चौराहा आइए, असवा आइए, असवा से सीधे रोड जाती है डहा की तरफ, और सीधा जाने वाली रोड पे पड़ता है अपना जंगली बाबा का मंदिर, ठीक है। भाई तकलीफें पड़ेंगे आपको जंगली बाबा जाने के लिए, जैसे कि रोड पे पानी भरा हुआ है, लेकिन हम पहले बता चुके हैं हमारे भैया खिलाड़ी हैं 786 वाले रक्षे वाले। असवा का आखिरी ख़त्म हुआ, ये असवा था और इधर लास्ट था। तो देखिए 4 बज रहे हैं, टाइमिंग क्या है, 4:38। तो सोच लीजिए कि जब इतनी सुबह इतने लोग हैं, तो फिर जैसे जैसे अगर 4 से 5 होता जाएगा, तो कितने लोग आते जाते रहेंगे, अंदाज़ा लगाइए कि आगे से इतने लोग हैं, क्या बताएं भैया। भैया वीडियो के साथ बने रहो, और वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। आज आपको पूरा जंगली बाबा दिखाएंगे कि सावन के महीने में क्या रहता है बवाल यहाँ पे, और मतलब कितने लोग आते हैं, लोग तो आपको पता चल गया होगा कितने लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं, रास्ता आपको दिखाते जा रहे हैं। और जब आप और इधर ही ये देखो भैया, इनको बोलते हैं कांवरिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो ये लोग हैं सुबह पता नहीं कितने बजे नंगे पैर और हाथों में लोटा या कमंडल लेके जल उसमें लेकर बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, ठीक है। मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं जंगली बाबा मंदिर में जाने से। तो अभी से देखो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र है पढ़ने की, पढ़ाई छोड़कर अपना इधर जा रहे हैं, तो चलो ठीक है भैया, ये अलग बात है, और चलते रहिए। ये देखिए कितने छोटे बच्चे हैं पढ़ने की उम्र में, भगवान के भरोसे बैठे हैं, ये अलग बात है, क्या बताएं। लेकिन आपको हम पूरा जंगली बाबा दिखाएंगे, और ये देख लो पूरा सड़क मटिया चौराहा से जंगली बाबा तक फुल है, लोग भारी मात्रा में आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ अपना वर्ड, कितनी श्रद्धा है भगवान शंकर के लिए, वहाँ पे शिवलिंग लगा हुआ है, तो काफ़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ। भैया जंगली बाबा पहुँचने वाले हैं, तो पहली बात फिर से एक बार लोकेशन बता रहे हैं, आप मटेरा चौराहा आइए, मटेरा चौराहा से असवा वाली रोड पे जाइए, असवा से मोहम्मदपुर आगे पड़ेगा, मोहम्मदपुर फिर मोहम्मदपुर से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे, 1-2 भट्ठे निकले मिलेंगे मोहम्मदपुर की तरफ, बस इसके जस्ट आगे पड़ता है जंगली बाबा मंदिर, जहाँ पे भगवान शंकर की प्रतिमा लगा हुआ है, शिवलिंग, और तो कुछ नहीं है। और आगे चल जो है बताते हैं, ये देखो है, थोड़ी बाइक ख़राब हो गई तो हम रुक कर वीडियो बना रहे हैं, ये देखो कितने लोग जा रहे हैं। और इधर साइड देखिए आप, ये देखिए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, बड़े और ही अच्छा है, ठीक है। तो पहले तो ये ठंडा होता है, ये देखिए इधर रास्ता ना बोले, और इधर जैसे ही पूछे किधर एक रास्ता पड़ता है पारस चौराहा, इधर पारस में पेड़ है, और इधर ही आप लोग देख लीजिए कि संख्याएँ हम लोग जा रहे हैं
तब लोग वापस आ रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कितनी सुबह मतलब कि आए होंगे। बहुत सारे लोग छोटकन बच्चे आ रहे हैं, बहुत छोट छोट, ये नहीं समझ आ रहा भैया हमको, ठीक है। इनका लाइन अलग था और यहाँ आ रहे हैं ये अलग है। जंगली बाबा ये उसका चौराहा है और थोड़ा आगे बस पहुँचने वाले हैं मेन गेट, पहुँच जाएंगे। देखो ट्राली आई है, ट्राली से लोग आते हैं भर के गांव से, ठीक है। गांव से ये सब इसमें आगे दिखते हैं। ये देखो ट्राली रो रो भैया, ये देखो जंगली बाबा मंदिर का पोस्टर लगा हुआ है। गाड़ी खड़ी करी और अभी से देखिए कितने लोग हैं। यही है अपने जंगली बाबा, गेट आगे मिल रहा है आपको। तो ये देखिए कितने लोग हैं, और ये अपना जंगली बाबा है। देखिए कि संख्या कितनी, ये चौराहा है, जंगली बाबा का गेट आगे लगा हुआ है और इधर पूरा व्यवस्था है। अब कुछ खाना हो, प्रधान जी हमारे साथ हैं, ठीक है। और ये है ना